एवरीवन, आई एम प्रज्ञा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि है स्पेशली दिवाली के लिए। ये बहुत ही इजी और सोबर मेकअप लुक है। आप फेस्टिवल्स में आउटफिट और ज्वेलरी के थ्रू बहुत कम मेकअप में भी बहुत ही सुंदर लग सकती हैं। ये लहंगा है फ्रॉम मिंत्रा, इसका हॉल मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर लेंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो स्किन को अच्छे से नरिश करना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये टोनर फ्रॉम एप्स गुडनेस। ये अंबा हल्दी टोनर है और बहुत अच्छा है। इसे मैं अच्छे से पैट पैट कर लूँगी और अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का सिरम, ये ऑयल बेस्ड सिरम है। इसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली अपने स्किन केयर रूटीन में, तो इसे भी मैं अच्छे से पूरी स्किन पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, नेक एरिया पर भी अप्लाई कर लूँगी और फिर इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने स्किन में। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेस लोशन फ्रॉम गुड वाइब्स। ये भी बहुत अच्छा फेस लोशन है, इसे मैंने हर बार बताया है कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत टाइम्स मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये फेस लोशन मैंने अपने स्किन पे अप्लाई कर लिया है और 5 मिनट के लिए हमें अपने फेस को सेट होने देना है। अब मेकअप के लिए प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की की प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ये मेरा फर्स्ट प्राइमर था और बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। इसे डॉट 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 करके मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। इससे मेरे जितने भी पोज हैं या डल स्किन है, जो भी स्पॉट्स हैं, वो अच्छे से ब्लर आउट हो जाते हैं प्राइमर से। तो प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले, और दिवाली की क्लीनिंग में फेस इतना डल हो गया है, डार्क सर्कल्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो प्राइमर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लिप बाम में लगाना भूल गई थी। तो ये है बायोटिक का फ्रूट लिप बाम, बहुत ही अच्छा लिप बाम है और थोड़ा सा टिंटेड है तो बहुत अच्छा लगता है अप्लाई करने के बाद। कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की। एग्जैक्ट शेड्स जितने भी हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। कंसीलर को जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क एरिया है, उन सब जगह पे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। आईलिड, अंडर आई, चिन के पास, नोज़ के पास, जहाँ भी डार्क एरियाज़ हैं उन सब पे मैंने अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लिया है और ब्यूटी ब्लेंडर को भिंगा के स्क्वीज़ आउट कर लिया है और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ब्लेंड करने में मुझे 5-7 मिनट लग गए थे, मैं आप लोगों को फुल स्पीड पर दिखा रही हूँ। तो बहुत आराम से कंसीलर को ब्लेंड करना है वरना क्रीज लाइंस दिखेंगे और मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, वरना कहीं कहीं पर बहुत ब्राइट सा दिखेगा, कहीं केकी दिखेगा। तो ब्लेंडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। कोई भी चीज़ हो, कंसीलर हो, फाउंडेशन हो, आई शैडो हो, हर किसी को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरा कंसीलर ऑलमोस्ट ब्लेंड हो चुका है और अब आ रही है फाउंडेशन की। फाउंडेशन मैं फेसेस कैनेडा की यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत छोटा वर्जन वाला है, एग्जैक्ट शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही निकल गया था लेकिन कोई बात नहीं, ये नेक पे और हर जगह ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से। इसे भी मैं डॉट 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 करके अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। नेक एरिया को भी नहीं भूलना है, जितना भी बचा हुआ रहेगा उसे ब्यूटी ब्लेंडर में लेके मैं उसे अपने पूरे नेक एरिया पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो इसे मैंने डॉट 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 कर लिया है और अब करना है ब्लेंड। ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना अपने पूरे फेस पे। ड्रैग नहीं करना है, इसे डैप डैप करके ही ब्लेंड करना है आपको। ड्रैग करने से एक तो मेकअप की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी और स्किन भी ख़राब होती है। तो इसे अच्छे से डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेना है। कानों को भी नहीं छोड़ना है, नेक एरिया को भी नहीं छोड़ना है, सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं इसे सेट कर रही हूँ इस पैक के स्टूडियो फिनिश पाउडर के साथ, कॉम्पैक्ट के साथ। ये बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। अगर आपने फाउंडेशन अप्लाई नहीं भी किया है तो भी ये काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है। अगर आप सिर्फ प्राइमर अप्लाई करके इसे अप्लाई करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा है। तो इसे मैंने अच्छे से अपने पूरे मेकअप को सेट कर लिया है, और नेक एरिया, कान, अंडर आई, जितना भी था सब कुछ मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। और अब मैं अपना बेस सेट कर लूँगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। ये काफ़ी अच्छे से मेकअप को बहुत देर तक टिका के रखता है और बहुत अफोर्डेबल भी है। मैं ज़रा सा ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का सा बस इसे डैप डैप कर रही हूँ, इसे बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। बस ये बस जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग गया था उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब मैं अपने आई मेकअप पर आती हूँ। सबसे पहले आईब्रोज़ को फिल कर लेना है। आईब्रोज़ फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट। मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, पाउडर वाला फॉर्म है, फॉर्मूला है इसका, और बहुत अच्छे से आईब्रोज सेट हो जाते हैं। 2 शेड्स आता है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से अपने आईब्रोज को सेट कर लिया है और मैं थोड़ा सा पाउडर लगा रही हूँ ऊपर से, जिससे काफ़ी नेचुरल सी फिनिश आ जाती है। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा का पैलेट। ये बहुत अफोर्डेबल है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है, तो आपको बहुत ध्यान से करना होता है। और इसका जो मैट वाला है ना, इसमें 2 शेड्स हैं, शिमरी और मैट। जो मैट शेड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है, तो इसलिए मैं लूज़ पाउडर लगा ले रही हूँ ताकि जो भी हो वो मेरे स्किन पे ना आए। और इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। पहले मैंने फिंगर से कोशिश की तो ये नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे ब्रश से अप्लाई किया।
ये शुरू में आपको दिख रहा है कि बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है, लेकिन ये बाद में हो जाएगा और बहुत प्यारा कलर आता है। तो मैं ये पिंक शेड, ब्राइट पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ अपने आई शैडो के लिए, क्योंकि मेरे लहंगे का जो दुपट्टा है वो ब्राइट पिंक है और गोटा भी उसी कलर का है। अब इसे मैं फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। अभी भी आपको लगेगा कि ये ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ है, इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। मैं आपको फुल स्पीड पर दिखा रही हूँ, आपको आराम से इसे ब्लेंड करना है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYB की ब्लिंकिंग आई शैडो, इसका गोल्ड शेड। ये बहुत ही खूबसूरत शेड है, शिमरी है, तो ये बहुत अच्छी फिनिश देगा मेरे आई शैडो को और दिवाली के लिए बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो लिक्विड ग्लिटर आई शैडो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ। और इसको लगाने के बाद आई शैडो इतना प्यारा लग रहा था, मेरे आउटफिट से बिल्कुल मैच कर रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। और अब इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि दोनों शेड्स अच्छे से मिक्स हो जाएँ, अलग अलग सा ना दिखे। और अब मेरा आई शैडो ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। और अब मैं वही वाला पिंक शेड लेके अपनी लोअर लैशेज़ के पास भी अप्लाई कर लूँगी, इससे बहुत सुंदर लगता है, मेकअप कम्प्लीट सा लगता है आपका। आई मेकअप जो भी हो उसमें आप जो आई शैडो यूज़ करते हैं, कोशिश करिए कि उसका एक शेड नीचे भी यूज़ करें, उससे बहुत अच्छा लुक आता है। और ये अगेन बहुत ज़्यादा आ गया था, तो इस आई में बहुत ज़्यादा लग गया था जिसे मुझे बाद में सेट करना पड़ा। तो इस आई शैडो के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल है लेकिन अप्लाई करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसके मैट शेड्स को अप्लाई करने में। बाकी जो शिमरी से शेड्स हैं वो अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था उसे मैंने ब्रश आउट कर दिया है। और मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। इससे पहले मैंने अब लगा लिए हैं अपने फॉल्स आई लैशेज और आई लाइनर। मैंने पहली बार फॉल्सीज लगाए हैं इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था, तो उसे मैंने ऑफ कैमरा ही किया है। उसके बाद मैंने आई लाइनर भी अप्लाई कर लिया है। ऐसे तो फॉल्सीज के साथ आपको मस्कारा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये बहुत थिन था, ये बहुत थिक आई लैशेज नहीं थे और मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था, तो मुझे थोड़ा अलग अलग भी लग रहा था आई लैशेज और अपनी जो नेचुरल आई लैशेज हैं। तो इसलिए मैंने मस्कारा लगा लिया है अपने अपर लैशेज पे भी और लोअर लैशेज पे भी। काजल मैं यूज़ कर रही हूँ L18 का, और इसे मैं हाफ वे ही लगाऊंगी, पूरी आईज़ में नहीं लगाऊंगी, जिससे आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो अब आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट है। अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। ब्लश के लिए अगेन मैं अपनी उसी आई शेडो पैलेट से ही ब्लश भी अप्लाई कर लूँगी, कोरल शेड। बहुत थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था और मुझे ब्लेंड करने में बहुत मुश्किल हुई थी, तो बहुत ज़रा सा आई शेडो मैंने लिया है। और बस स्माइल करते हुए अपनी चीक बोन्स पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है ब्लश। इसे मैं थोड़ा सा अपनी नोज़ पे भी लगा लूँगी थोड़े से पिंकिश ग्लो के लिए। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। अक्षर को कुछ कहना है मुझसे। हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन की मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन गोल्ड। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, बहुत अच्छी फिनिश भी देता है। इसे मैंने लगा लिया अपने सारे हाई पॉइंट्स पे। अक्षर भी अपना स्कूटर लेके चला गया है, जितने भी हाई पॉइंट्स थे उस पे मैंने हाइलाइटर लगा लिया। अब मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ पर्पल का लिप क्रेयॉन का एक न्यूड शेड स्ट्रेंजर टू फ्रेंड्स। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप यहाँ पे डार्क शेड की लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। डार्क शेड की लिपस्टिक यूज़ करने से फेस बिल्कुल डिफरेंट लगने लग जाएगा। और अब मैं फिर से अपना मेकअप को सेट कर रही हूँ ब्लू हेवन की उसी मेकअप फिक्सर से। और अब लगा लेते हैं बिंदी। बिंदी के बिना तो कोई भी एथनिक लुक कम्प्लीट ही नहीं होता, तो ये मैं बिंदी अप्लाई कर रही हूँ। और मैं यूज़ कर रही हूँ ये आर्टिफिशियल गजरा। मेरे पास यही एक आर्टिफिशियल गजरा है वाइट कलर के फ्लावर्स का, बहुत टाइम से मैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है। मैं एक रेड कलर का भी परचेज़ करने वाली हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, तो गजरा काफ़ी अच्छा सा लुक भी देता है और जब आपने हेयर वॉश नहीं किया हो तो आपके बालों को कवर भी कर देता है। ज्वेलरी मैं यूज़ कर रही हूँ मीशो की, इसका हॉल है मेरे चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। और बस ये ईयरिंग्स और मांगटीका का सेट है, इसे मैंने लगा लिया और अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ दिवाली के लिए। और ये मेकअप लुक बहुत इजी है जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।